एक बार फिर से सीडीएनपी जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। यह क्लास 12th JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए है। और आज के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम बोर्ड पर, ठीक है। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज के क्वेश्चन में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि एक पॉट है, एक बर्तन है, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाया है, ये ठीक है। और इस बर्तन में, इस पॉट में हम वाटर फिल करते हैं, ठीक है, और पूरा फुल कर देते हैं लास्ट तक, यहाँ आखिरी में यहाँ तक पूरा फुल कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी मान लें, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए कि 500 ml है। कितनी है? 500 ml है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इसमें हमें 500 से ज़्यादा वाटर फिल करना है, 500 ml पानी से ज़्यादा भरना है। शर्त ये है कि जो ये पॉट रखा हुआ है, ये इस पॉट का साइज वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। मतलब सपोज कर लें कि अगर ये प्लास्टिक का है तो उसको ज़ोर से खींच करके उसका साइज चेंज ना करें, साइज उसका वही रहे। और इसमें हम क्या कर लें कि 500 ml से प्लस कुछ एक्स्ट्रा वाटर फिल कर लें। तो यह क्वेश्चन सोचिए और ऐसा करने में हमें क्या करना पड़ेगा। अब इसी बात को हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके बतलाते हैं। देखिए, सपोज कर लें कि एक हमारे पास कंडक्टर प्लेट है, ठीक है। क्या है ये कंडक्टर प्लेट है, मतलब चालक प्लेट है। और हमें क्या करना है, इस चालक प्लेट में चार्ज फिल करना है। क्या करना है? चार्ज फिल करना है, प्लस क्यू भी बोल सकते हैं, फिल करना है, ठीक है। अब जितना भी इसमें इसका कैपेसिटेंस होगा, इसकी कैपेसिटी होगी, जितनी भी इसकी धारिता होगी, ठीक है, सपोज कर लें कि इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता है 1 pF, ठीक है। इसकी धारिता कितनी है? 1 pF। अब क्वेश्चन यही है इसके सिमिलर, जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 500 ml थी, सेम इसकी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस हमने कितनी ले ली, 1 pF समझ ली। अब क्वेश्चन यही है कि इस प्लेट का साइज सेफ हम चेंज ना करें, इसका आकार, ठीक है, और ना बदलें, और इसकी कैपेसिटी हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, मतलब कितनी कर दें, 1 pF से कुछ ज़्यादा कर लें और इसका सेप चेंज ना करें। इसी के सिमिलर ये हमने प्लेट वाला एग्जांपल लिया है। तो क्वेश्चन बनता है, आखिर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आखिर ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे सोचने का विषय है। अगर हम व्यवहारिक रूप में सोचें, डेली लाइफ में सोचें कि ऐसा हो सकता है, तो हमें लगेगा कि शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें तब तक इम्पॉसिबल लगती रहती हैं जब तक वैसा हम कर नहीं पाते हैं, उनमें सक्सेस नहीं पा लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही अपन ने उसको कर लिया तो लगेगा कि अरे ये तो पूरी
इम्पॉसिबल असंभव जैसी बात थी, ये कैसे हो गई। तो चलिए इस इम्पॉसिबल जैसी लगने वाली बात को हम पॉसिबल करके दिखाते हैं और आप लोग उसी बात को समझेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके बारे में शॉर्ट में बतलाएंगे, हम ऐसा कर सकते हैं। हमारा आंसर किस में है? हमारा आंसर यस में है, इस बात को हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? करने के लिए एक विशेष किस्म की डिवाइस होती है, एक क्या होती है, डिवाइस होती है, और इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, और इसे ही हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र। समझ रहे हैं बात को? तो ये कैपेसिटर या संधारित्र। अब हम यहां पर सबसे पहले एक डेफिनेशन दे सकते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र क्या है, ये आज के लिए और एग्जाम के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको समझें। और पूरा थ्योरी क्वेश्चन है और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, और आप लोग अगर अच्छे समझेंगे तो इसको करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाओ, व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सप्लेन इट्स थ्योरी। समझ रहे हैं? तो हमने क्या बतलाया कि जो प्लेट थी उसका साइज सेफ अपन को चेंज नहीं करना है, और उसकी क्या बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है। तो ऐसा काम कौन करेगा? कैपेसिटर करेगा, संधारित्र करेगा। तो बस इसकी डेफिनेशन बोल देते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी चालक के आकार आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यही बात हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज द डिवाइस बाई विच इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विदाउट एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम और शेप, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग रिवर्स करके वीडियो को दो तीन बार चार बार सुने अच्छे से पहले, ठीक है, बार बार डेफिनेशन को सुन लें और बात को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि संधारित्र में या कैपेसिटर में ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलिए इसके लिए एक डायग्राम पहले से ही हमने बनाया है, ये देखिए ये एक डायग्राम है, ये इसमें एक प्लेट ए है, ये प्लेट हमने ए ली है, देख रहे हैं, और इस प्लेट ए में हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है। कितना चार्ज दिया है? प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। अब यह चार्ज मतलब यह आवेश पूरी प्लेट में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरी प्लेट, प्लेट ए के पास रखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर बात को और अच्छा समझना है तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये देखिए, ये प्लेट हमको कैसी लेनी है, अनचार्ज लेनी है, मतलब अनावेशित प्लेट लेनी है, इसमें आवेश नहीं होना चाहिए। पहली वाली जो प्लेट होगी उस वाली प्लेट को हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे, मतलब उसे आवेशित करेंगे, ठीक है। रिमाइंड कर रहे हैं इस बात को, प्लेट ए जो होगी वह चार्ज्ड होगी, आवेशित प्लेट ली जाएगी, ठीक है, और ये कैसी है, कंडक्टर प्लेट है। समझ रहे हैं बात को?
और दूसरी वाली प्लेट जो बी है वो कैसी है, अनचार्ज है, अनावेशित है, और इस प्लेट को हम ए के पास में रखते हैं। बात को समझें यहाँ पर कि प्लेट बी डायग्राम में इतनी डिस्टेंस में दिखाई जा रही, देख रहे हैं ये। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं फिजिक्स में कि बोर्ड में स्टूडेंट पढ़ता रहता है, टीचर पढ़ाता रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसकी चीज़ को देखता है तो सोच नहीं पाता कि ऐसी होगी, देखा तो हमने कुछ और था। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो प्लेट बी रखी है इतनी डिस्टेंस पर रखी है, रियल में यह सुविधा के लिए, समझाने के लिए थोड़ा दूर रखी गई है। रियलिटी ये है कि जो प्लेट बी है वह प्लेट ए के बिल्कुल करीब, जैसे मान लो ये येलो कलर की लाइन जो है ये मान लो प्लेट ए हो, तो अब ये बिल्कुल उसके पास में ये प्लेट बी रख दी गई, मतलब प्लेट ए के बिल्कुल पास में प्लेट बी रखी जाती है, दूर नहीं रखी जाती है, समझ रहे हैं। तो अब प्लेट बी को जैसे ही हम रखते हैं तो क्या होगा, एक खास चेंज आएगा। ये प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, धन क्यू आवेश जो है, इनकी वजह से प्लेट बी के कहाँ, इनसाइड में, अंदर वाले भाग में क्या हो जाते हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। ये नेगेटिव माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। और उसके बाहरी साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। एक बार फिर से समझें, प्लेट ए धनावेशित है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और प्लेट बी हम ए के पास में रखते हैं, तो प्रेरण के द्वारा बाय इंडक्शन प्लेट बी के इनसाइड में, अंदर वाले भाग में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरफ क्या हो जाता है, माइनस क्यू चार्ज प्रेरित हो जाता है, किसके द्वारा, प्रेरण के द्वारा, ठीक है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन आपने पढ़ा हो, और वैसे ट्वेल्थ में अलग से एक चैप्टर है, उसको उस चैप्टर में डिटेल से पढ़ लेंगे, यहाँ सिर्फ हम बोलेंगे प्रेरण के द्वारा, ठीक है, बाय इंडक्शन। और यहाँ पर प्रेरण के द्वारा ही इसके बाहरी साइड में क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो पास वाली साइड है उसमें विपरीत आवेश, अपोजिट आवेश क्या होगा, इंड्यूस होगा या प्रेरित होगा हिंदी में, और जो बाहर वाली साइड है अपोजिट वाली उसमें कैसा होगा, इसके माइनस वाले के अपोजिट मतलब प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अगर इतनी बात हमें आई है तो फिर एक बात और समझनी पड़ेगी, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सोचिए जब तक आगे बात करते हैं हम। देखिए यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लेट ए के, थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं, डायरेक्ट बताने से बेहतर है पहले क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं कि मान लो कोई प्लेट है, इसका पोटेंशियल, इसका विद्युत विभव कितना है, भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, भी है। अब अगर हम इसमें क्या कर दें, प्लस चार्ज दें, तो इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आपको ये बात याद होनी चाहिए, हमने पहले भी समझाई है। जिस प्रकार से किसी पॉट में, किसी बर्तन में हम पानी भरते हैं तो उसका वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसका द्रव का स्तर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक ऐसे ही जब किसी हम कंडक्टर में क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, आवेश देते हैं, धन आवेश देते हैं, तो उसका विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आवेश का स्तर मतलब क्या हो जाता है, यहाँ विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर हम इसमें से आवेश निकाल लें,
निकालने का मतलब क्या होता है, चार्ज बाहर निकालने का मतलब है कि उसे हम माइनस क्यू दे रहे हैं, उल्टी लैंग्वेज में बोलते हैं अपन। प्लस क्यू देने का मतलब रियल में दे रहे हैं, बढ़ रहा है, और निकालने का मतलब क्या है, हमने कह दिया माइनस क्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखें, इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि किसी चालक की प्लेट है और उसमें अगर हम धन क्यू आवेश देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि अगर हम ऋण क्यू आवेश देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो, डाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझ सकते हो कि ये देखो, मान लो प्लेट ए है और प्लेट ए में सपोज कर लें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहा होगा, वी रहा होगा, अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, अब हमने क्या देखा, प्लेट बी में कौन सा चार्ज या आवेश उत्पन्न हो गया है, माइनस हो गया है। तो ये माइनस वाला क्या करता है, ये देखो बताया अभी अभी हमने, ये माइनस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है, डाउन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि माइनस वाला प्लेट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी को क्या करेगा, डाउन करेगा, कम करेगा। समझ रहे हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं कि प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी। ठीक है, तो अब एक फार्मूला हमने बोला था, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, बोलिए, सी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, क्यू अपॉन वी होता है, होता है। अब हमने क्या बोला, वी की वैल्यू कम कर दी गई हमने, तो अगर हम इस फार्मूले में क्या कर दें, वी की वैल्यू कम कर दें, किसी भी भिन्न में, किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो जाती है तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, उल्टा होता है, नीचे लिखा हो, क्योंकि तो वी की वैल्यू अगर कम होगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, प्लेट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर दिया, बोलो, कम कर दिया, और कम करने से ड्यू टू फार्मूला सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जरा विचार करिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने रखा था, क्वेश्चन कौन सा था, वो क्वेश्चन यही था, भूल गए हुए आप लोग, याद करिए कि हमने कहा था एक प्लेट है और इसका सेफ साइज वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है, और क्या करना है, इसका हमको कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या करना है, बढ़ाना है, इसके सी का मान क्या करना है, बढ़ाना है। और यहाँ देखिए प्लेट ए है और इसका हमने सेफ साइज चेंज नहीं किया है, और इसकी कैपेसिटी क्या हुई, कैपेसिटेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है, सिर्फ कैसा करने से, प्लेट बी को पास में रखने से। अभी बात पूरी खत्म नहीं होती है, क्योंकि अगर माइनस चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को, वी को क्या करते हैं, अगर कम करते हैं, तो क्या प्लेट में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लेट बी में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, प्लेट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। और जब बढ़ा देंगे तो वी का मान अगर क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो सी का मान क्या हो जाए, उल्टा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मुकाबला है कि प्लेट बी का जो नेगेटिव चार्ज है वह प्लेट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करता है, बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, बोलिए, कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और प्लेट बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब चलेगी किसकी, इफेक्ट ज़्यादा किसका होगा, जो पास में होगा, पास में कौन है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए फाइनली क्या होगा, दोनों के मुकाबले में जीते कौन, ये वाला, माइनस वाला, इसलिए
फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, प्लेट ए का क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और जब डाउन होगा तो फिर इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? अब इसमें एक करेक्शन करते हैं थोड़ा सा। चलिए एक डायग्राम हम और देखते हैं। ये देखिए, एक्चुअली में डायग्राम यही है, ये चेंज नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं इसमें कि जो प्लेट बी है, ये प्लेट बी, इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ कनेक्ट कर देते हैं, अर्थड कर देते हैं इसको, मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट जो डायग्राम देख रहे हो, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, प्लेट बी को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बोलो, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, देखो जोड़ दिया। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव चार्ज थे, ये वाले पॉजिटिव चार्ज थे, वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज होता है जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इस वजह से कोई भी आवेश पृथ्वी में क्या होते हैं, बह जाते हैं। इस बात को एक व्यवहारिक एग्जाम्पल समझना हो तो बहुत अच्छा हम समझा सकते हैं। जिस प्रकार से सभी नदियां क्या होती हैं, जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र में समाती हैं, कहीं की भी नदी हो बह करके कहाँ जाएगी, लास्ट में वो समुद्र पर जाएगी, ठीक वैसे ही हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी है, फाइनली वो उसका हश्र क्या होना है, वो अर्थ में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो अर्थ में जाएगा। आपने घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन में पढ़ा है, देखा है, कम से कम घर में एक अर्थिंग होती है, अपन कोई प्लग लगाते हैं, टू पॉइंट्स होते हैं उसमें, एक मेन चार्ज का होता है और एक होता है अर्थ का होता है, ठीक है। तो ये प्लस जो चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब चलो यहाँ देख लो, यहाँ पर हमने बताया था कि बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, हालांकि पास में कौन सा था, नेगेटिव वाला था, इसलिए टोटल इफेक्ट किसका पड़ा था, नेगेटिव का। लेकिन अब हमने अपने शत्रु को, दुश्मन को हटा ही दिया सीधे, मतलब क्या कर दिया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया। अब इसको बढ़ाने वाला कोई नहीं रह गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, भी जो ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको क्या कर देगा, ये अच्छे से डिक्रीज कर देगा, क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, घटा देगा मतलब। और जब घटा देगा तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये देख लो, अगर भी की वैल्यू घटती है तो नेचुरली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही इसकी थ्योरी है, इतनी सी थ्योरी है ये, लेकिन यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, और आप लोगों को उसको अच्छे से क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए और तैयार करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक बार इसको व्यवस्थित रूप में बोल देते हैं और आप लोग इसको नोट कर लेना, जिससे आपका ये नोट्स तैयार हो जाएगा और आंसर आप लोग अपनी पेन और का उपयोग करके कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। और अगर हम थोड़ा जल्दी बोलें तो आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुन सुन के लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बोल देते हैं, क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश में, सबसे पहले तो सबसे पहले इंग्लिश में क्वेश्चन लिखें, ऐसा साइड हेडिंग क्वेश्चन कर लें, व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सप्लेन इट्स थ्योरी, संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत समझाओ, ठीक है, हिंदी में हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आंसर। अब आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप साइड हेडिंग कर लीजिए डेफिनीशन, ठीक है, डेफिनीशन या हिंदी वाले परिभाषा, ये लो, ठीक।
ठीक है। अब परिभाषा हम बोल देते हैं और आप लोग लिख लो, पहले इंग्लिश में, कैपेसिटर इज द डिवाइस बाय विच इंक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विदाउट एनी चेंज ऑफ वॉल्यूम और शेप और साइज, ठीक है। हिंदी में लिख लो, संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार, आयतन इत्यादि में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब आपको साइड हेडिंग करनी है, थ्योरी सिद्धांत, ऐसा साइड हेडिंग कर लें, थ्योरी या हिंदी वाले सिद्धांत, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम के लिए जगह छोड़ लें, अभी बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें थ्योरी इसकी लिखनी है, तो थ्योरी क्या है पहले हम इंग्लिश में बोल देते हैं और आप लोग लिखते चलें, और अगर छूट जाए वर्ड तो रिवाइंड करके वीडियो को फिर से नोट करें, सुनें और लिखें, इसको देख देख करके बोल देते हैं डायग्राम को हम। कंसीडर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट ए विच इज गिवन पॉजिटिव चार्ज व्हेन अनचार्ज कंडक्टर प्लेट बी इज बॉट नियर इट द अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इट्स नियरर एंड एंड लाइक चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फर्दर एंड ऑफ अनचार्ज प्लेट बी, ठीक है। ये वही बात हमने बोल दी है कि कंडक्टर ए जो है चार्ज लिया गया है और अनचार्ज प्लेट हमने बी रखी है, तो ये यहाँ पर अपोजिट चार्ज इंड्यूज हो रहा है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, द इंड्यूज नेगेटिव चार्ज ऑन द नियरर एंड ऑफ द प्लेट बी ट्राइज टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए व्हाइल द पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज ट्राई टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है ना। मतलब ये क्या करता है, नेगेटिव वाला क्या करता है, किसके लिए है, ट्राई करता है कम करने के लिए, और पॉजिटिव वाला क्या करता है, ट्राई करता है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। एज द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज इज नियरर टू प्लेट ए, ठीक है ना, पास में है ये, सो इट इज इफेक्टिव देन इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब माइनस वाला ज्यादा पास में है, प्लस वाला दूर में है, इसलिए इफेक्टिव कौन होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, हेंस द पोटेंशियल ऑफ ए इज रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर प्लेट बी नियर द चार्ज कंडक्टर। दस आगे लिखना है, इन अकॉर्डिंग टू फार्मूला, कौन सा फार्मूला, वही अकॉर्डिंग टू फार्मूला C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर A इज इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप और साइज, ठीक है। अब इसी बात को पहले हिंदी में, चलो पूरा लिख लो, इंग्लिश वाले पूरा लिख लो, आगे लिखो पैराग्राफ बदल दो। मतलब फर्स्ट वाले डायग्राम का हमने लिखवा दिया, अब ये सेकेंड वाले डायग्राम के लिए हम बोल देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, नाउ इफ द कंडक्टर प्लेट बी इज
अर्थड, मतलब उसको अर्थ में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। देन द फ्री पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट गोज टू द अर्थ, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। बट बाउंड चार्ज रिमेन्स ऑन द प्लेट बी, मतलब ये बाउंड मतलब जो अंदर की तरफ है वो प्लेट बी में रह जाएंगे, स्टे कर जाएंगे। हेंस द पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेज बाई मोर वैल्यू एंड इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज बाई मोर वैल्यू, मतलब ऐसा हो जाने से इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा, जिससे इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और भी क्या हो जाएगी बोलो, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब लास्ट में फिर स्टैंजा कर लो, इसी बात को बिल्कुल शॉर्ट में लिख लेते हैं, इस थ्योरी को मान लो। कोई पूछता है कि व्हाट इज थ्योरी ऑफ कैपेसिटर राइट फॉर 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए, तो फिर ये 2 नंबर की बात है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, 2-3 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में लिख लो, स्टैंजा चेंज करो, और क्या लिखना है ऐसा लिख लेना, इन शॉर्ट, मतलब संक्षेप में, और फिर अगली लाइन से ऐसा करके क्या लिखेंगे अपन, वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर नियरर टू इट, फुल स्टॉप के बाद, इट इज थ्योरी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब यही बात आपको हिंदी में लिखनी है, सिद्धांत या थ्योरी, यहाँ जो बोला था हमने सिद्धांत या थ्योरी, तो हिंदी वाले लिख लें। चित्रानुसार एक चालक प्लेट, चित्रानुसार एक पृथक चालक प्लेट ए है, ठीक है, जिसे धन आवेशित किया गया है। अब यदि हम प्लेट बी को प्लेट ए के निकट रखते हैं, थोड़ा चेंज कर लें इसमें, फिर से बोल देते हैं, चित्रानुसार एक धन आवेशित प्लेट, चित्रानुसार एक धनावेशित चालक प्लेट ए है। अब यदि हम कोई अनावेशित चालक प्लेट बी प्लेट ए के पास रखते हैं, तो प्रेरण के द्वारा प्लेट बी के आंतरिक भाग में क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, लिखते चलिए, जबकि उसके बाहरी भाग में प्रेरण के द्वारा धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। प्लेट बी के ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करते हैं, जबकि प्लेट बी के धन आवेश प्लेट ए के विभव को अधिक करने का प्रयास करते हैं, किंतु प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट बी की तुलना में अधिक पास होने के कारण ऋण आवेश का प्रभाव ज्यादा होता है, और परिणाम स्वरूप प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। तब सूत्र C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के अनुसार चालक ए की धारिता C बढ़ जाएगी, जबकि उसका आकार आयतन परिवर्तित नहीं किया गया है। अब पैराग्राफ बदल लो, अब चित्र 2 के अनुसार यदि हम प्लेट बी का बाहरी हिस्सा पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं, तो इसके समस्त धन आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे प्लेट बी का ऋण आवेश प्लेट ए के विभव को और भी कम कर देता है, जिससे सूत्र C बराबर Q अपॉन V से चालक A की धारिता और भी बढ़ जाती है। अब पैराग्राफ बदलो संक्षेप में,
संक्षेप में जैसे लिखा था इन शॉर्ट ऐसी संक्षेप में, और फिर नीचे वाली लाइन से इन्वर्टेड कॉमा लिख सकते हैं, यदि किसी आवेशित चालक प्लेट के निकट कोई अन्य पृथ्वीकृत अनावेशित चालक प्लेट रख दी जाती है तो प्रथम प्लेट की धारिता बढ़ जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन हमने बोल के इसलिए लिखाया इसको जिससे कि आप लोग इसका सटीक आंसर लिख सकें। ठीक है, तो इसको पूरा अच्छे से लिखें और तैयार करें। हम आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपने क्वेश्चन को सीखा, समझा और अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज किया, और अब इसकी प्रैक्टिस करिए। और फिजिक्स में सिमिलर क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको जरूर देखें और उनकी तैयारी करें। एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप अपनी टेक्स्ट बुक का यूज करें और जो चैप्टर चल रहा है उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं बुक में पीछे दिए रहते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें साथ साथ में, क्योंकि 20 मार्क्स ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो उनके मार्क्स आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए